दोस्तों ये नॉर्मल लैंड क्रूजर नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम 70 सीरीज़ एंड ये जो मॉडल है ये है LC 78। आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा रगेड है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आइए मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाती हूँ उसका बॉनेट। पहले द बॉनेट टुगेदर, तो देखिए इसकी नॉर्मल कीज़ होती है, कीज़ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लॉक अनलॉक ट्रेडिशनल अनलॉकिंग है। तो गाड़ी को अनलॉक करते हैं, मैं बॉनेट ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से इसका लिवर ऊपर किया, और मैं आपको बता दूं ये डीजल इंजन के साथ आती है, पेट्रोल वेरिएंट भी है लेकिन आज हम डीजल वाला ऑप्शन रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको इसके इंजन स्पेक्स के बारे में बताऊंगी। तो बोनट जो है काफ़ी भारी है क्योंकि स्टील का है, और इसको फिर लगा लेते हैं, फिर मैं आपको इंजन के बारे में बताती हूँ। तो देखिए इसका इंजन कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखता है, 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, पेट्रोल में भी है लेकिन ये डीजल वेरिएंट है, जो प्रोड्यूस करता है 201 हॉर्स पावर एंड मैक्सिमम आउटपुट जो है 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की जो बॉडी है वो तो प्रॉपर स्टील की दी हुई है, साथ के साथ जो गाड़ी का पूरा ओवरऑल लुक है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लगेगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा। आइए फ्रंट को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ऊपर वाइपर्स दिए हुए हैं एंड इसका जो बॉनेट है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड है, यहाँ पे कैरेक्टर लाइंस विजिबल है। फ्रंट में देखेंगे तो सिग्नेचर ग्रिल्स मिलती हैं, टोयोटा की बैजिंग दी है, हेलोजन लैंप दिए हुए हैं एंड उसके साथ अगर आप फ्रंट लिप्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है एंड पूरी गाड़ी की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा रगेड है। ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक में ऑफर किया गया है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने का स्पेस दिया हुआ है। और आप अगर देखेंगे नीचे की तरफ तो अगर आप इसका मैं आपको दिखाऊं इसका, देखिए फ्रंट एक्सल बार पूरा यहाँ से यहाँ कैसे टायर्स को कनेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ देखिए साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड इंडिकेटर, कुछ अलग सा दिया हुआ है। लैंड क्रूज़र की देखिए बैजिंग दी हुई है, तो मैंने आपको बताया था ये 70 सीरीज़ और ये 78 LC 78 है। और यहाँ पर फेंडर्स की बात की जाए तो ये भी अपलिफ्टेड दिखते हैं, यहाँ पर भी साइड इंडिकेटर दिया हुआ है। व्हील प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए 16 इंच के स्टील रिम व्हील्स मिलते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है आगे और पीछे। तो यहाँ पे अगर हम गाड़ी के डायमेंशन की बात करें तो देखिए 5.1 मीटर की लेंथ है इसकी एंड 2.1 मीटर की इसकी हाइट है, 1.8 मीटर की इसकी विड्थ है। तो अगर आप हाइट की बात करेंगे तो देखिए हाइट की जो है गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है। तो साथ साथ देखिए यहाँ पे आप देखिए फ्रंट, आपको फ्रंट में बेसिकली आपको साइड स्टेप मिलता है क्योंकि गाड़ी की जो मैंने आपको हाइट बताई है 2.1 मीटर गाड़ी की हाइट है, यूजुअली गाड़ी की हाइट 1.8-1.9 मीटर होती है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है पेट्रोल टैंक, और मैं आपको बता दूँ एक सिग्निफिकेंट बात इस गाड़ी की जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर है, 185 लीटर इसकी कैपेसिटी है, तो दैट मींस आप 1875 किलोमीटर एक बार फुल टैंक में इसको चला सकते हैं। दैट मींस आप इसका एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में और एक्सट्रीम हाईवे ड्राइव में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को। और टैंक की बात करें देखिए एक टैंक यहाँ पे है, एक टैंक यहाँ पे है, डुअल टैंक है, वैसे FJ क्रूज़र में भी डुअल टैंक आता है, और ये सब गाड़ी टोयोटा की है तो टोयोटा इज़ ऑलवेज अमेज अस विद द फीचर्स। देखिए अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो दो लोग तो देखिए आगे बैठ ही जाते हैं, पीछे टोटल अगर हम बात करें तो 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और मैं आपको एक और फीचर बता दूँ इस गाड़ी का, ये आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये वैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में गाड़ी यूज़ होती है, साथ साथ एडवेंचर में भी यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या है साइड प्रोफाइल में। ABC पिलर आपका नॉर्मल दिया हुआ है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लग्जरियस और एक्स्ट्रा फैंसी नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल रगेड कार है। तो पीछे चलते हैं रियर प्रोफाइल और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में दिखाई थी गाड़ी की कीज़, तो देखिए यहाँ से जो रियर डोर ओपन होगा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल पुराने स्टाइल में जैसे एम्बुलेंस ओपन होती है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका लिवर दिया हुआ है, आपको लिवर को फॉरवर्ड पुल करना है एंड देन आप देख सकते हैं इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, इवन कार्गो कैपेसिटी दोनों मिक्सअप की गई है क्योंकि वैन टाइप है ये, तो इसलिए मैंने आपको बोला 8 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे इसकी सीट्स दी हुई हैं, सीट्स को आप उठा के नीचे डाउन कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा पुरानी बुलेरो और सफारी में ऐसी सीट्स हमको पीछे जब 7-सीटर होती तो उसमें दी जाती थी, तो आप स्पेस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और अब हम बात करें देखिए इसके रूफ़ की, तो वहाँ पर आपको कैबिन लाइट्स प्लेस की गई है, AC वेंट्स कहीं भी नहीं दिए हुए हैं, और बाकी अगर हम देखें तो और कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे एक लिवर प्लेस किया गया है टो करने के लिए, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ, लेट्स क्लोज दिस, पहले ये वाला डोर क्लोज होगा
फिर ये होगा एंड इट्स लाइक है ना अलमीरा। और यहाँ पे आपको वाइट ग्लास ऑफर किया जाता है और यहाँ पे देखिए डिफॉगर प्लेस किया गया है, लाइट कोई पीछे ऑफर नहीं की गई है, जबकि कहा जाता है थोड़ी जब हाइटेड कार्स होती है तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प होना चाहिए फॉर अ सेफ्टी कंसर्न। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आगे फ्रंट लिप्स में बाहर निकला हुआ था वैसे ही बम्पर यहाँ पे बाहर निकला हुआ है और ये आपको बेसिकली थोड़ा हेल्प भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा थोड़ा अंदर जाने के लिए। वैसे ये भी दिया हुआ है बट बच्चे बच्चे होते हैं तो थोड़ा तो वो पैर इधर उधर मार लेते हैं। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, ये जो गाड़ी है ये पार्ट टाइम 4x4 है और यहाँ पे देखिए 2024 मॉडल है, टोयोटा की है, 70 सीरीज़ है, 2.8 लीटर डीजल इंजन है, थ्री डोर के साथ आती है। एवरेज की बात की जाए तो देखिए 12.4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंजन तो मतलब इंजन टाइप अगर हम बात करें देखिए इसमें टर्बो इंजन आता है। दोस्तों मैं अब अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था अंदर जाने के लिए आपको साइड स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिवर दिया हुआ है। सीट्स की हम बात करेंगे तो नॉर्मल फैब्रिक सीट्स दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मटेरियल यूज़ किया है, कुशनिंग दी हुई है और यहाँ से देखिए इसको रिक्लाइन कर सकते हैं और यहाँ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिवर दिया हुआ है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, मैं आपको और बताती हूँ क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो अंदर जाना भी जो है ना इस गाड़ी में वैसे एक टास्क है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था गाड़ी की जो हाइट है 2.1 मीटर है। अब आप मेरा पोस्चर देख सकते हैं तो कितनी ज़्यादा, अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 235 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और मुझे अंदर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। तो लेट्स गेट इनसाइड। तो मैं अंदर बैठ चुकी हूँ और मैं पहली बार में वन शॉट में अंदर आ चुकी हूँ। तो देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में दिए जाते हैं। तो देखिए स्टेयरिंग जो है वो नॉर्मल स्टेयरिंग दिया हुआ है, तो वो गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके ही बताऊँगी। लेट स्टार्ट द कार। तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और जो साउंड है कार का बिल्कुल जैसे ट्रक की आवाज़ आती है ना वैसी ही आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको पहले गेज क्लस्टर दिखा देती हूँ फिर हम गाड़ी को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो यहाँ पे देखिए आपके फ्यूल यहाँ से देख सकते हैं हाई लो और यहाँ पे आपकी मिलती है टेम्परेचर यूनिट और उसके बाद आपका पूरा RPM वगैरह किलोमीटर्स सारा नॉर्मल मतलब डिजिटल नहीं है एनालॉग दिया हुआ है। यहाँ पे AC वेंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आइडियल हीटिंग सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ से हमने बॉनेट तो ओपन किया ही था। अगर हम स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कोई और फंक्शन। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, तो यहाँ पे आ जाइए आप। तो देखिए यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं, बहुत ट्रेडिशनल बहुत ओल्ड स्टाइल आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफर की जाती है। टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, हैजार्ड लाइट यहाँ पे दी हुई है और ये वाला फंक्शन आप देखेंगे तो आपको पुरानी मारुति 800 में जो क्लाइमेट स्क्रीन तो बेसिकली नहीं है, जो क्लाइमेट फंक्शन थे वैसे ही फंक्शंस यहाँ पे इक्विप किए गए हैं। यहाँ से देखिए टैंक ओपन कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, फॉगर डिफॉगर और देखिए डाउन हिल का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, पावर हॉल एंड सेकेंड स्टार्ट मतलब इमरजेंसी स्टार्ट आप यहां से कर सकते हैं। 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, तो आप ये सोचिए गाड़ी इतनी देसी है लेकिन फिर भी इक्विप किया गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यहां पे डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है, यहां पे हैंड ब्रेक दिए हुए हैं एंड बेल्ट यहां पे नॉर्मल आपको स्टोरेज मिल जाती है। देखिए डिफरेंशियल लॉक के फंक्शन क्या दिए हुए, जब मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी जो है पार्ट टाइम 4x4 है तो देखिए इसका लेवर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 high, 4 high, 4 low एंड न्यूट्रल, तो यहाँ पे ये फंक्शंस इक्विप किए गए हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड देखेंगे ना तो आपको पुरानी मारुति सुजुकी की याद आएगी क्योंकि फंक्शंस को वैसे ही इक्विप किया गया है एंड प्रेजेंटेशन भी वैसे ही दी गई है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, तो यहाँ से आप अपना चार्जर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसके सेफ्टी बताऊँगी और गाड़ी की स्पेशलिटी और क्या क्या है वो आपको मेंशन करूँगी। तो दोस्तों अगर फंक्शन की बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की तो मैं आपको बताऊं, देखिए डुअल एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, 4x4 के सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उसके साथ साथ आपको देखिए सीट बेल्ट मिलती हैं दोनों के लिए आगे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, पीछे जो है वहाँ पर सीट बेल्ट ऑफर नहीं की जाती, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है एंड डाउनहिल असिस्ट मिलता है। तो ये सारे थे इसके सेफ्टी फीचर्स। तो देखिए मैं आपको बताऊं ये गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है, एक तो इसकी सिटिंग कैपेसिटी, ट्रूप कैरियर है ये गाड़ी, हम इसे कहते हैं ट्रूप कैरियर, और उसके साथ साथ ये पूरी जो बॉडी है देखिए पूरी स्टील की बॉडी है एंड कुछ ज़्यादा फैंसी फंक्शन नहीं दिए हुए, गाड़ी के लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है और गाड़ी की रगडनेस पे काम किया गया है। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा, मैं आपके लिए यूनिक कार्स लाती रहूँगी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माई सब्सक्राइबर प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड share with your friends and share with your family. Thank you so much.